फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सब पहला कुषाण इंडो ग्रीक इन सब के बारे में पढ़ लिया था। कुछ कुछ जगह ट्रिक यूज करी थी और उसमें हमने देखा था कहीं ना कहीं जो सबसे पहला गोल्ड कॉइन जारी किया था वो इंडो ग्रीक ने किया था, यानी यूनानी ने किया था, यवन राज बोलते हैं। सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन कनिष्क ने किया था क्योंकि उन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था, टैक्स लगा लेते थे और इससे काफी धनवान हो गए थे, इसलिए गोल्ड कॉइन जारी करी थी सबसे शुद्ध। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन की बात करेंगे तो करते टाइम मैंने बोला था कि वो गुप्ता साम्राज्य में सबसे ज्यादा, क्योंकि आप मैप में देखिए गुप्ता साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, तो वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन की जरूरत पड़ती है। आज हम गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जिसका टाइम पीरियड याद करना बहुत ही सिंपल है, 240 AD से 540 AD, यहाँ प्लस 3 ध्यान रखना, 240 AD से 543 AD तक गुप्ता साम्राज्य का टाइम पीरियड। गुप्ता साम्राज्य को गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। ऐसा क्यों? कुछ कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी कि गोल्डन एरा बोलते हैं इसको या क्लासिकल एरा बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का। फ्रेंड्स, एनसीआरटी में बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी दी है, उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है। मैं तो बोलूंगा कि गुप्ता साम्राज्य ही पूरा क्लियर हो जाता है, छोटी सी चीज जो एनसीआरटी में दी है। जब गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत होती है एनसीआरटी बुक में, तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि एक स्कूल में फंक्शन होना था जिसमें एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना था, पार्टिसिपेशन में उसे अगले दिन राजा बनना था। तो सपने में वो सोचता है कि मैं तलवार चलाऊंगा स्कूल में जाके, ये सब सपने में सोचता है। लेकिन अगले दिन वो जाता है तो इसको स्कूल में कुर्ता पहना के और समुद्र के किनारे, स्कूल वाले समुद्र के किनारे ये फंक्शन रखते हैं और कुर्ता पहना के उठे उसे बैठा देते हैं और उसे कविताएं पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो उसका दिमाग खराब हो गया, उसने प्रोग्राम खत्म होने के बाद टीचर से पूछा कि सर ऐसा कैसा राजा है बनाया मेरे को आपने कि ऐसे कविताएं पढ़ रहे हैं और तलवार नहीं चलाने दे रहे हो, तो ऐसा कौन सा राजा था हिस्ट्री में? तो सर ने उसे बताया कि ऐसा एक राजा था जिस, अब तुम समुद्र के पास बैठे हो तो समझ जाओ कि वो राजा का नाम था समुद्रगुप्त। बिल्कुल, इस राजा को कविराज बोलते थे और उसे कवि बन के हरी हरी करना था। जब उसने समुद्र के पास बैठ के कभी तो बनी गया था, वो उसे फंक्शन के दौरान हरी हरी बोलना था। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हरी शेड था, हरी शेड एक कोर्टियर था समुद्रगुप्त के टाइम पे, जिसने अलाहाबाद पिलर में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जिससे हिस्ट्री क्लियर होती है। अच्छा, समुद्रगुप्त ऐसा राजा था कि कभी कविताएं उसे पसंद थी, इसका मतलब ये ऐसा नहीं था कि उसने प्रशासन अच्छे से नहीं चलाया, प्रशासन में उसने काफी मेहनत करके प्रशासन को आगे बढ़ाया। उसके लिए एक शब्द भी यूज होता है, वाइस किंग एंड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये अच्छा राजा था। फिर उसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। समुद्रगुप्त यानी वो बच्चा टीचर से रूठ गया, सर बोलता है फिर भी सर आपको ऐसा राजा मेरे को नहीं बताना चाहिए था। तो टीचर ने उसे समझाया कि अभी तो तुम्हारा ये एक पार्ट खत्म हुआ है कि तुमने कवि राज का जो रोल है वो किया है, समुद्रगुप्त का एक पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट भी तो देखो, अभी तुम नॉर्थ के 8 राज्यों को जीतोगे, साउथ के 12 राज्यों को जीतोगे और तुम्हें घर तक पहुंचाने में तुम ऐसे साइकिल से घर तक नहीं जाओगे, तुम्हें घोड़े से घर से घर तक पहुंचाया जाएगा। बच्चे को खुश करने के लिए बोल दिया। इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त ने नॉर्थ के 8 राज्यों को जीता था और साउथ के 12 राज्यों को जीता था, इसके नाम क्लियर नहीं है हालांकि हिस्ट्री में, और अश घोड़े से उसको घर पे छोड़ा था। इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में क्लियर है। अभी एक लाइन में जानते हैं, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। अभी वो स्टोरी आप दिमाग में चलाते रहना, आपको याद आता रहेगा। उसके कोटियर हरी सेठ था, हरी हरी करना था उसको बैठ के समुद्र के किनारे। ठीक है, उसे घोड़े पे बैठकर घर छोड़ के आना था और उसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्लियर है? और 8 राज्यों को उसने एट किंग ऑफ आर्यवर्त उसने नॉर्थ की साइड जीते थे और 12 साउथ की साइड जीते थे। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त के ऊपर आता है चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त के नीचे आता है चंद्रगुप्त 2। ठीक है, चंद्रगुप्त 1 को रियल फाउंडर बोलते हैं, हालांकि श्रीगुप्त की जो उपाधि थी वो थी महाराज की और घटोत्कच की उपाधि थी महाराज की, लेकिन जब चंद्रगुप्त 1 आया तो इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। तो कहीं ना कहीं इसको रियल फाउंडर बोलते हैं, लेकिन फाउंडर गुप्ता साम्राज्य का श्रीगुप्त ही था। इसका टाइम पीरियड 319 AD से शुरू होता है। इसका टाइम पीरियड क्या जाता है इसे याद कर सकते हैं, समुद्रगुप्त जो बच्चा था वो उसका अगले दिन काम 35 हो गया। जब कोई काम अपने मन के मुताबिक ना हो तो बोलते हैं काम 35 हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका टाइम पीरियड 335 से शुरू होता है, यानी इसका टाइम पीरियड 335 AD में खत्म होता होगा, 335 AD से शुरू होता है। 30-40 साल रहेगा, देखते हैं अभी कितना रहेगा। ठीक है, 335 से 45 साल रहेगा, यानी 380 AD तक। ठीक है, अच्छा, गुप्ता साम्राज्य के बारे में हमें एक बात पहले से पता था कि उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जारी किए थे, पता है। तो इसका मतलब सबसे इफेक्टिव राजा जो आएगा वो गोल्ड कॉइन जारी करेगा, यानी चंद्रगुप्त 1 पहला इफेक्टिव राजा था, तो गोल्ड कॉइन चंद्रगुप्त 1 ने जारी किए थे। अभी मैं चंद्रगुप्त 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, इनकी शादी, चंद्रगुप्त 1 की शादी लिच्छवी डॉटर कुमार देवी से हुई थी। इनकी वाइफ का नाम मैं एक लाइन से याद करा दूंगा, फिलहाल आप देखिए, लिच्छवी गणराज की डॉटर कुमार देवी से चंद्रगुप्त 1 की शादी हुई थी और उससे समुद्रगुप्त हुआ था, और समुद्रगुप्त को ही इसलिए क्या बोलते, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को बोलते थे क्योंकि इनकी माँ का नाम लिच्छवी की रानी कुमार देवी था। ओके, फिर चंद्रगुप्त 2 की बात करते हैं। इनका सबसे पहले याद करने का तरीका है, इनके यहाँ पर थे कालिदास, इनके यहाँ पर पोएट कालिदास थे जिन्होंने अग्निमित्रम, इनकी मैं कालिदास की सेपरेटली बात करनी पड़ेगी इसी लेक्चर के बाद, कालिदास थे। ओके, उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये राजा बन के और एक पिता भी हैं, ये एमपी में, उज्जैन एमपी में ना, एमपी में बीच में ख्याल रख रहे थे, लेकिन इनके बच्चे दोनों भाग गए, भाग के शादी कर ली। देखेंगे इसका मतलब क्या है,
अभी एमपी में यानी बीच में ध्यान दे रहे थे तो इनके बच्चे भाग गए थे, तो इनकी बेटी भागी थी प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता भागी थी वाकाटक रूलर के पास, वाकाटक एक रूलर था, और उनका बेटा भागा था कुमारगुप्त, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट, कुमारगुप्त कर्नाटक रीजन की कदम्बा प्रिंसेस के पास, कदम्बा प्रिंसेस के पास। ये इनकी जो वाइफ के नाम है वन चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त, वो एक लाइन से देखेंगे एक ट्रिक से हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। अभी ये देखना, जैसे अभी आप ये मैप देखिए, मैप में ऊपर गुप्ता साम्राज्य, लेकिन ये वाकाटक साम्राज्य कैसे टिक गया गुप्ता के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीच में ध्यान दे रहा था ऐसा राजा जो सिर्फ बीच में ध्यान दे रहा था चंद्रगुप्त टू, उसके बेटे बेटे बेटी नीचे भाग गए थे, तो उसी में से प्रभावती गुप्ता भाग के वाकाटक के यहाँ शादी की थी, और कहीं ना कहीं उनके होने की वजह से ये शासन चलता रहा, क्योंकि लड़की के घर में थोड़ी अटैक करेंगे। और फिर इसके बेटे कुमारगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया, कर्नाटक रीजन में इन्होंने शादी कर ली थी, और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये करी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। ट्रिक है याद करने की कि ना इनके नाम में कोई नेम नहीं है, कुमार सरनेम है, गुप्त भी सरनेम है, तो ना नाम रहा और ना जमीन रही, क्योंकि भाग के शादी की लैंड मिस होती है जमीन, तो ना नाम रहा ना जमीन रही, तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। छोटी छोटी ट्रिक हेल्प होती है पेपर में सही आंसर टिक करने के लिए। और स्कंद गुप्त, अगर इनकी स्पेलिंग लिखेंगे एस स्कंद गुप्त, तो इससे क्लियर हो जाएगा इन्हीं के टाइम पर कोई ना कोई कांड हुआ था जिससे गुप्ता साम्राज्य की नींव हिल गई, और वो था होडोका अटैक, होड अटैक इन्हीं के टाइम पर हुआ था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो गोल्डन पीरियड जिसको गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण था। हालांकि अटैक हुआ और इसने सक्सेसफुली जीता भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तभी से आने लगी और नींव तभी से हिल गई गुप्ता साम्राज्य की। अच्छा, ये क्वेश्चन और आता है कि महेंद्रादित्य किसका टाइटल था, तो आप देखिए इसके कोई नाम तो था नहीं, कुमार गुप्त दोनों सरनेम थे, तो इसने बाद में दो दो नाम लिख दिए, महेंद्र और आदित्य, ये दो दो नाम का टाइटल बनाया इसने, ठीक है। ये चली रहा है तो आप ध्यान रखना 528 एडी में कहीं ना कहीं हुड कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, इसका मतलब के टाइम पर पहला अटैक हुआ लेकिन कंटिन्यूअसली ये अटैक करते जा रहे थे, तो उस टाइम पर नरसिंहगुप्त थे गुप्ता साम्राज्य के शासक, तो ये जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो मालवा के जो यशोवर्धन थे, यशोवर्धन उन्होंने कहीं ना कहीं हुड़ों को खदेड़ दिया। तो अगर कोई एमपी से है तो वो मालवा के यशोवर्धन के बारे में जरूर पढ़े। फिर मालवा के यशोवर्धन ने हुड़ों को खदेड़ा, उसके बाद नरसिंहगुप्त को भी खदेड़ दिया, कोई जरूरत नहीं हमारी गुप्ता साम्राज्य की, यहाँ पे हम लोग संभाल लेंगे, ऐसे हो गया। अब गुप्ता साम्राज्य के प्रशासन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, क्यों गुप्ता साम्राज्य गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं वो सारी फोटो से देखेंगे। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक थी जिससे चीजें आपको याद रहे। अच्छा, अभी मैंने देखा था, बोला था कि इनकी वाइफ के नाम कैसे याद करेंगे, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त, नाम सिंपल है इनकी वाइफ का याद करना, KD KD, कुमार देवी, दत्ता देवी, कुबेर नागा एंड ध्रुव स्वामिनी, कुमार देवी, दत्ता देवी, कुबेर नागा एंड ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। अब क्या क्लियरिटी, अच्छा आपके एक टाइम पीरियड भी क्लियर होना चाहिए, इनका टाइम पीरियड क्या है। समुद्रगुप्त तो वो बच्चे की कहानी है, इसका शुरू से ही काम 35 होने लगा था, तो 335 एडी से 380 एडी हो गया, तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त 2 380 एडी के बाद आएगा, ठीक है। 380 से 419 एडी रहते हैं, कुमारगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त 1 बोलते हैं इनको, 415 से 455 एडी, ठीक है। और उसके बाद स्कंदगुप्त 455 से 65, ओनली 10 इयर्स, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कुमारगुप्त पहले आएगा या स्कंदगुप्त, आप ध्यान रखो ना स्कंदगुप्त की स्पेलिंग में कांड है, कांड का मतलब होड़ों का अटैक हुआ था, कोई ना कोई कांड हुआ था जिससे गुप्ता साम्राज्य की नींव हिल गई थी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मॉड प्रशासन को देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, थैंक यू, मैप भी देखेंगे।